जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। स्टूडेंट अभी भी 12वीं के बाद जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे KYS अलग अलग डिमांड को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और लगातार शिक्षा को लेकर के कई प्रदर्शन किए भी हैं। ये हम देखते हैं कि जैसे एजुकेशन में सीटों की जो कमी है, आज अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए सीटों की कमी होती जा रही है, जहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट है जो उच्च शिक्षा में भाग ले पा रहे हैं, वहीं पे जो ओपन लर्निंग है जहाँ पे ओपन से एजुकेशन हो रहे हैं, हायर एजुकेशन हो रहा है, जैसे ओपन लर्निंग स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, NCVAB है, या देखा जाए इग्नू जैसे संस्थान है, वहाँ पर छात्रों की संख्या इस तरीके से बढ़ाई जा रही है कि क्योंकि सीट कम है रेगुलर में, तो इस सीट की एक डिमांड लंबे समय से KYS उठाता आ रहा है कि सीटों की कमी जो है उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए शिक्षा मंत्री को, सीटों को बढ़ाना चाहिए, हर तरीके से हायर एजुकेशन में अंदर घुसने का रास्ता बंद किया जा रहा है उन छात्रों के लिए जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल से अपना 12वीं कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जिनको एजुकेशन में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे CUET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम ला दिया है, या कुछ समय पहले से कट ऑफ का जो माध्यम चल रहा था उसमें भी कट ऑफ में जो अच्छे स्कूलों का कहना यह है कि जो प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े स्कूलों से पास आउट स्टूडेंट होते हैं, जो 12वीं अपना पास करते हैं, उनके अच्छे नंबर उसी कारणों से आते हैं जो कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ों की सुविधाएं होती हैं और उनके घरों के भी हालात बहुत बेहतर होते हैं। तो वो ये तो साफ दिखाई देता है कि एक तरीके से पैसा और पैसा होना और पैसा ना होना बहुत शिक्षा में मतलब खरीदा और बेचा जैसा माध्यम है। जिसके पास पैसा है वो शिक्षा खरीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भटक सकता है कहीं भी किसी भी ओपन लर्निंग में, या वो भी ना मिले तो ओपन में भी अब जो फ़ी बढ़ाई जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा ऊँची हो गई है, दुगने उसकी फ़ीस बढ़ गई है। जो 4000 हम BA का कोर्स करते थे वो अब 8000 हो गया है, कहीं 7500 हो गया है, तो वो दुगनी होती जा रही है। तो यानी कि जिसके पास वो भी फ़ीस नहीं होगी तो वो भी BA नहीं कर पाएगा ओपन से भी, तो ये दिखाई देता है। ये तो सीधा सीधा चंद लोगों की मुट्ठियों में सिकुड़ता जा रहा है जिसके पास बहुत पैसा है, जब पूंजीपतियों के हाथों में बहुत पहले से ही था, लेकिन अब जो जरिए थे जिस तरीके से जिस माध्यम से स्टूडेंट 2% ही सही सरकारी स्कूल का बच्चा जो कॉलेज में पहुंच रहा था उनको भी अब बेदखल करने की नीतियां लगातार लाई जा रही हैं। और अभी भी KYS जिस तरीके से डिमांड करता रहा है कि अगर सीटों की कमी बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है कि कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, और कॉलेजों की संख्या जब तक नहीं बढ़ पा रही है, जब तक नए कॉलेजों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तब तक जो ओपन मॉर्निंग में जो क्लासेस चलती है या मॉर्निंग में जो शिफ्ट होता है उसी में इवनिंग भी किया जाए। कुछ लोगों का कहना होता है इवनिंग है, लेकिन सब कॉलेज में इवनिंग नहीं है, जैसे मिरांडा दौलतराम या हंसराज या अलग अलग नॉर्थ कैंपस के या साउथ कैंपस के आउट ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस है उसमें भी इवनिंग मोड में अगर क्लासेस दी जाए, तो यानी मॉर्निंग में जितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं उसी में उतनी ही दुगनी संख्या में रेगुलर कॉलेज में इवनिंग में भी स्टूडेंट पढ़ पाएंगे। ये चीज़ बहुत सरल है लेकिन ये समझ नहीं आती है शिक्षा मंत्रियों को। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे मैडम, गरीब हाल रहा तो? ये तो पहले से ही बहुत बड़ी संख्या शिक्षा से बेदखल होती जा रही थी, बहुत आंकड़ा ही देखा जाए 25% है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ पा रहे हैं, उच्च शिक्षा में कॉलेजेस में भाग ले पा रहे हैं, और ये संख्या बहुत कम होती जा रही है। उस तौर पे देखा जाए सरकारी स्कूल का बहुसंख्यक हिस्सा है जो नहीं पहुँच पा रहा है, और भी इन संख्याओं को मतलब बढ़ती जा रही है, लगातार इन पर बढ़ोतरी हो रही है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि गरीब लोग हैं जो या सरकारी स्कूल से जो पढ़ रहे हैं उनके विरोधी नीति लाई जा रही है लगातार। देखिए SC ST OBC का जो सीटों का भी प्रावधान है उसमें भी एक SC का अमीर वर्ग है जो वो पहुंच पा रहा है, उसमें भी कोई एक दो जैसे पूरे ही कॉलेज में जो 25 या 27% जिस भी रेशियो से वो आंकड़ा निकालते हैं उसमें सीट जब एक ही होगी तो उसमें SC ST को कैसे मिलेगी, मिलेगी तो एक ही सीट को ना। अगर आगे भी आप MPhil PhD की भी बात करें, अभी तो MPhil चला ही गया है, PhD वगैरह की बात के बहुत चंद लोग हैं जो पहुंच पा रहे हैं, तो SC ST OBC की भी अगर बात की जाए सबको शिक्षा मिल जाए
उच्च शिक्षा जो अगर 12वीं के बाद जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको शिक्षा मिल जाए तो किसी के लिए रिजर्वेशन की भी बात नहीं रह पाएगी और किसी के लिए सीट की कमी की भी बात नहीं होगी। सबके लिए कॉलेज खुलने चाहिए। सब यहाँ पे दिल्ली में हम बहुत सारी चीज़ें खुलते हुए देखते हैं लेकिन कॉलेज नहीं दिखाई दिए कई सालों से। पब खुलते हैं, सिनेमा हॉल खुलते हैं, बड़े बड़े बार खुलते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खुलते हैं, मॉल खुलते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉलेजों की संख्या नहीं दिखाई देती है। जो जैसे तैसे कॉलेज है उनको भी उसमें भी सीमित कर दिया गया है। फीसों को इतना आसमान तक बढ़ा दिया गया है कि जो बच्चे कोशिश करके जिस तरीके से भी पढ़ने के साथ कमाने की कोशिश भी करें उसके साथ भी अगर करने की कोशिश करें उसके लिए भी मुश्किल वाला दौर हो गया। अभी शिक्षा का मैडम ये स्तर हुआ कि जूते दुकानें मिल रही और किताबें रोड पे बिक रही है मैडम। ये तो अलग अलग माहौल है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे कोई बच्चा वहाँ तक पहुँच पा रहा है। बहुत मुश्किल होता है जैसे बस्तियों में ही दिल्ली जैसे इलाकों में भी लोग वहाँ से 12वीं भी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि वहाँ की हकीकती ज़मीनी हकीकत जो है वो लोगों के पास पहुँच नहीं पा रही है या सरकार को पता होने के बावजूद भी आँख पे पट्टी बांध के नज़रअंदाज कर रही है। वहाँ पे पानी तक नहीं पहुँच रहा है। वहाँ की लड़कियाँ 3-3 घंटे 4-4 वहाँ बच्चे अगर वहाँ लड़कियों की बात ना की जाए वहाँ के माहौल की भी बात की जाए 3-3 घंटे 4-4 घंटे पानी भर रही हैं और वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए स्कूल में पहुँचने के लिए समय या पढ़ने का जो समय है वो पानी भरने में चला जा रहा है। तो ये बहुत सरकारी स्कूलों की भी बहुत खस्ता हालत है। मैडम कई बार आपने सरकारी बच्चों के लिए भी बच्चे भी यहाँ बैठे थे आपके प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, कुछ सरकारी कार में दूर रहेगी मैम? ये तो पता चलता है यहाँ पे क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। वो अगर कर दें तो बात पता चले। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी उनके बच्चों से मतलब है जो VC है या शिक्षा मंत्री है या बड़े बड़े मंत्री हैं या नेता हैं या प्रधानमंत्री की बात की जाए वो सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। भले सरकारी संस्थानों में अपने आप को पहुँचाना या अपनी सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैर बराबरी और भेदभाव दिखाई देता है, दोहरी शिक्षा नीति दिखाई देती है। मतलब इतना विशाल देश है, सरकार के बारे में शिक्षा के बारे में कोई नीति नहीं बनाती। वो जानबूझ करके छात्र विरोधी नीति ला रही है। वो छात्र जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं वो नहीं चाहती है ना कि बच्चे पहुंच जाएंगे। वो जानबूझ करके ओपन स्कूल मतलब संस्थानों में ओपन लर्निंग जैसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वहाँ पे या NC Web है या इग्नू जैसे संस्थान है वहाँ पे ताकि थोड़ा बहुत बस डिग्री मात्र लेके नौकर बन जाए उनके सरकारी फैक्ट्रियों में जैसे या किसी भी फैक्ट्री में 5,000, 6,000, 10,000 की नौकरी कर ले। वो नहीं चाहती कि बच्चे हर कोई पढ़े और PhD जैसे करे, उनसे विचार करे या उनसे भी सवाल करें। तो साफ दिखाई देता है इस तरीके की नीतियाँ नहीं बढ़ावा दे रही है सरकार, जानबूझ करके छात्र विरोधी। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ नए तरीके के सब्जेक्ट लाए गए। BSc की क्लासेस शुरू हुई है। अभी हुआ ये कि इन्होंने नया कोर्स शुरू किया है कि आपने वैल्यू एडेड कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। अब वैल्यू एडेड कोर्सेज में हुआ ये हो ये रहा है कि जो मेन क्रेडिट पॉइंट्स हैं जो मूल कोर कोर्सेज माने जाते हैं उन कोर कोर्सेज के आवर्स कम किए जाते हैं। यानी पहले अगर इतिहास का कोई विषय 8 घंटे में पढ़ाया जाता था कोई यूनिट, अब उसको कहा जा रहा है कि 4-5 घंटे में पढ़ाइए। यानी जो चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ाई जा सकती थी उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए क्लासेस जो हैं AEC BEC की क्लासेस जो हैं उनके लिए क्लासेस भी अलॉट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीचर अलॉट नहीं हो रहे हैं और इसके चलते छात्रों को बड़ी संख्या में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो दूसरी दिक्कत हो रही है AEC में जो दिक्कत है कि उन्होंने कहा कि आप अलग अलग भाषाओं में से एक भाषा पढ़ सकते हैं और उस AEC के ऑप्शंस में अंग्रेजी है नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में। और आप DU में स्थिति देखेंगे, DU में हिंदी को छोड़ के किसी भाषा में फैकल्टी है नहीं। तो जो गैर हिंदी भाषी छात्र हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं कि वो आके एक कंपलसरी कोर्स को पढ़ने के लिए। हम कह रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का विकल्प भी दिया जाए ताकि हिंदी को बढ़ावा देना। तो MBBS हिंदी में कराना चाहते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि हिंदी देश के बहुसंख्यक देश के बड़े संख्या में लोगों की जनभाषा है। यहाँ हिंदी माध्यम निदेशालय कार्यान्वयन निदेशालय है जिसकी हालत खस्ता हाल है। हिंदी माध्यमों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं यहाँ पे स्टूडेंट अब ओपन लर्निंग में है वहाँ पे हिंदी का अनुवाद बड़ा खराब होता है, किताबें सही से मिलती नहीं है। किताबें किस तौर पे नहीं मिलती और अनुवाद किस तौर पे खराब होता है मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि SOL में इतिहास का एक विषय है उसमें फ्रॉम अर्ली एज टू संगम एज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू संगम एज, इसका अनुवाद ये है हिंदी में
प्राचीन भारत का इतिहास जल्दी से लेकर संगम काल तक। अब जल्दी से लेकर संगम काल तक का आप कैसे कहेंगे, जब आप फ्रॉम अर्ली टाइम्स जो होना चाहिए, प्राचीन समय से प्राचीन समय से जो होना चाहिए आप उसको जल्दी से जल्दी करें। अनुवाद गलत हो रहा है, अनुवाद इतना ख़राब हो रहा है कि आप हिंदी की किताबें निकाल लीजिए जो यहाँ पे दी जाती हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनमें आप देखेंगे तमाम चीज़ें एसओएल में हिंदी के कोर्स मटेरियल्स में कई बार ये होता है कि कौन क्रेडिट किसने लिखा है उसका विवरण नहीं है, और यही हाल तमाम चीज़ों का है। हिंदी माध्यम की किताबें नहीं मिल रही है तो ये दिक्कतें हो रही है। देखिए हिंदी अंग्रेजी के झगड़े से ज़्यादा होना ये चाहिए कि छात्रों के हितों में क्या मुद्दे हैं, छात्र किस भाषा में पढ़ना चाहता है। अगर छात्र हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी में पाठ्यक्रम और सुविधाएं मुहैया की जाए, अगर छात्र अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहे तो अंग्रेजी में मुहैया किया जाए। तो मूल खतरा जो है, मूल खतरा शिक्षा पे है कि छात्रों को पढ़ने से रोका जाए, और हिंदी थोपने की जो साजिश है, हम हिंदी के नाम पे राजनीति तो चलती है, हिंदी को बाकी लोगों पे थोपने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन हिंदी माध्यम में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए मुहैया नहीं किया जाता। ये तो दोहरा चरित्र है जिसके लिए मतलब भटका रही है। देखिए हम कह रहे हैं ये सरकार और जो प्रशासन है वो छात्र विरोधी है, बहुसंख्यक जनता विरोधी है, इसीलिए एक और हिंदी के नाम पर राजनीति करती है, इससे देश की जनता को बांटने की कोशिश करती है। और जो दूसरा पहलू है कि हिंदी भाषा में जो बहुसंख्यक लोग सपने देखते हैं उनके सपनों को तोड़ती है, उन्हें जबरन एसओएल इग्नू में भेजती है। उनके लिए तो यहाँ पे दिल्ली में बहुसंख्यक लोग हिंदी भाषी हैं, उनके लिए कहाँ कॉलेज है। दूसरे प्रदेश के जो आते हैं वो तो यहाँ तो लोग हम कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश से आने की मजबूरी क्यों होती है, क्यों नहीं वहाँ पे स्कूल कॉलेज खोले जाएं, क्यों नहीं यूपी से आने वाला, बिहार से आने वाला, मध्य प्रदेश से आने वाला, उड़ीसा से आने वाला, तमिलनाडु से आने वाला मजबूर होता है आना। मजबूर इसीलिए नहीं, इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ उसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल नहीं रही है। ये तो सरकार की विफलता है कि लोग डीयू आने को मजबूर है। यही कारण है फीस बड़ा वृद्धि का सर। फीस वृद्धि का कारण ये होने के साथ साथ एक दूसरा कारण भी है कि वंचित समुदाय को पढ़ने से रोका जाए। आप जब फीस दोगुना कर देंगे तो कौन पढ़ पाएगा, वही पढ़ पाएगा जिसके पास पहले से पैसा है। गरीब वंचित परिवारों के लोगों के लिए तो लगातार दिक्कत होगी। सरकारी जो बच्चे आ रहे हैं गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ देखेंगे, कहाँ उनका भविष्य है। गरीब और बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों और युवाओं से हमारी अपील है कि आप साथ में मिलकर अपनी शिक्षा के लिए लड़ें, क्योंकि लगातार ये प्रयास हो रहा है कि शिक्षा से वंचित किया जाए। इतिहास में, समाज में हम हाशिए में खड़े हैं और आज भी हमें हाशिए में फिर से धकेला जा रहा है, वहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, आपके सहारे हम सभी से अपील करते हैं कि वो भी आए और संघर्ष में साथ। क्या निकलेगा देखिए संघर्ष क्या निकलेगा प्रशासन की ओर से ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रशासन कितना मानेगा, लेकिन हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सर रोहित बमूला वाला कल सर उनकी पुण्यतिथि थी, उसके बारे में सर वो दो संघर्ष करते करते। देखिए रोहित बमूला के साथ जो हुआ वो हमारे शिक्षा व्यवस्था के एक ऐसे चरित्र को सामने लाता है जो बेहद ही शर्मनाक है, जो बेहद लापरवाह है और भेदभावपूर्ण है। रोहित दलित होने के साथ साथ कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और आज तमाम रोहित हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है, जिनकी बात सामने नहीं आ रही। हम उन तमाम लोगों को, तमाम बहुसंख्यक वंचित समुदाय से आने वाले लोगों के सपनों को साकार कराने के लिए उन्हें अपील करते हैं कि खुद साथ में आए, संघर्ष में साथ में जुड़े और हम सब मिल के एक ऐसा समाज बनाएंगे, ऐसे व्यवस्था बनाएंगे जहाँ पे चीज़ें सभी को समान शिक्षा मिल सके, चाहे राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, सभी को एक समान शिक्षा मिल सके। सीखेगा सर कोई तो रोहित बमूला एक साल में नाम लोग भूलना शुरू हो गए। देखिए ये तभी सीख पाएगा जब जनता साथ में आके अपने अधिकारों के